अस्सलामु अलैकुम। हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज एक न्यू फ़ोन लेकर आए आपके लिए अनबॉक्सिंग के लिए। तो यहाँ पर है वीवो का वीवो Y31। तो ये 35,000 की बहुत ही बड़ी प्राइस में लॉन्च किया गया है। तो देखेंगे Y31 आपके लिए फिट रहता है या नहीं, क्या ये फ़ोन वाकई वैल्यू फॉर मनी है, ऑनेस्ट ओपिनियन एंड में आपको देंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात के, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू फोन के साथ करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, बॉक्स हमारे पास है वीवो Y31 का। यहाँ पर ब्लू सा बॉक्स है जो आता है वीवो के फ़ोन्स में। Y31 वीवो मेंशन किया गया है। 4GB रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। प्राइस 35,000 में लॉन्च किया गया है, काफ़ी बड़ी प्राइस में। तो देखते हैं क्या है मज़ीद इस फ़ोन में। तो बॉक्स के ऊपर काफ़ी हाईलाइट्स हैं। 48 मेगापिक्सल रियर कैमरा, फुल HD प्लस वाला 1080p हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, और यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी प्लस में फास्ट चार्जिंग, ऑडियो बूस्टर। तो हमारे पास ओकेयन ब्लू कलर अवेलेबल है, इसके अलावा एक और कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे ही बॉक्स को ओपन किया, ऊपर टिपिकल छोटा सा फोल्डर है। इस फोल्डर में आपको सिम डेटा टूल मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन और एक सॉफ्ट सा केस मिल जाता है, बैक कवर। उसके बाद हमारा फ़ोन है, फ़ोन की डिटेल से हम बाद में ही बात करते हैं। यहाँ पर चार्जिंग केबल टाइप सी वाली है, और उसके बाद आपको जो चार्जर मिलता है 18 वोट का फास्ट चार्जर मिल जाता है। हेडफोन्स का ऑप्शन मिल जाता है। मुबारक हो दोस्तों इस प्राइस में हेडफोन्स, मैं भूल ही गया था तकरीबन। तो जल्दी से बॉक्स को समेट कर आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। तो जैसे हम फ़ोन का रैपर रिमूव किया, तो दोस्तों कलर जो है वो तो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इस प्राइस में सिर्फ कलर ही हमें अच्छा देखने को मिलता है। Y51S जैसा लग रहा है, तकरीबन वैसा ही दिखने में, बिल्कुल सेम टू सेम, बस कलर का ही डिफरेंस दिया गया है। यहाँ पर लाइट सा ओकेयन ब्लू कलर दिया गया है, तो दिखने के मामले में काफ़ी अट्रैक्टिव है। बैक साइड इस फ़ोन की प्लास्टिक बॉडी है, शाइनिंग इतनी नहीं दी गई, लेकिन कलर रिफ्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा दी गई है। इस फोन के बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा मिलता है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 अपर्चर, सेकंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा एंड थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए। आपको यहीं कहीं 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, तो घबराइए मत, फास्ट चार्जिंग है, जल्दी फ़ोन चार्ज हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड पर आपको पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिलता है, और यही फिंगरप्रिंट स्कैनर भी साइड माउंटेड दिया गया है। राइट साइड पर ही वॉल्यूम की रॉकर्स मिलते हैं अप एंड डाउन। अप साइड पर सेकेंडरी माइक नॉइज कैंसिलेशन के लिए दिया गया है, और अप साइड पर ही सिम ट्रे मिलती है आपको, 3 स्लॉट वाली है, कि वक्त में ड्यूअल सिम प्लस में SD कार्ड यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड बिल्कुल ब्लैंक मिलती है। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक, चार्जिंग पोर्ट, प्राइमरी माइक और स्पीकर ग्रिल मिलती है। सामने की तरफ जैसे हम डिस्प्ले की तरफ आए, तो यहाँ पर अब पंच होल का ज़माना आ गया है, लेकिन नॉच टेक्नोलॉजी है वीवो Y31 में। तो नॉच टेक्नोलॉजी वाला डिस्प्ले, जिसे वीवो कहता है हेलो फुल व्यू डिस्प्ले, तो इस नॉच में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। डिस्प्ले आपको IPS LCD वाला मिल जाता है। तो डिसअपॉइंट इस बात से हूँ दोस्तों कि वीवो Y51 तीस हज़ार में मिल जाता है, तो उसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, तो इसकी 35,000 प्राइस है और IPS LCD वाला डिस्प्ले है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, इम्प्रूव करना चाहिए, सुपर एमोलेड देना चाहिए था, तो ये ज़्यादा प्राइस दी गई इस हिसाब से। 6.58 inches का फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है, 84.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशो, 401 PPI डेंसिटी, प्रोटेक्शन को मेंशन नहीं किया गया। तो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं दोस्तों, वाइटनेस ज़्यादा आपको मिलेगी, और IPS डिस्प्ले तो बैटरी को भी थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो डिस्प्ले दिखने में कलर्स वगैरह इतने अट्रैक्टिव पंची कलर्स नहीं है, बस नॉर्मल हैं, ठीक ही दिए गए हैं। यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है, काफ़ी फास्ट है। और फेस आईडी का वर्क देख सकते हैं, फेस आईडी भी काफ़ी क्विक है, काफ़ी ज़्यादा क्विक है। और यहाँ पर सॉफ्टवेयर हमें एंड्रॉयड 11 के साथ मिलता है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लेटेस्ट फन टच OS 11 वर्जन मिल जाता है। यहाँ पर डार्क मोड, आई प्रोटेक्शन, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। और यहाँ पर प्रोसेसर से भी मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हूँ, स्नैपड्रैगन 662 वाला प्रोसेसर मिलता है, जो कि हमें दोस्तों 25,000 से 26,000 की प्राइस में मिल रहा है। ये नहीं कह रहा कि बुरा प्रोसेसर है, प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इस प्राइस में अब बहुत ही टफ कंपटीशन हो गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको G90T भी देखने को मिलता है, Infinix 08 भी कम हो गया है, और उसके अलावा Infinix 08i जो है, G90T आपको देखने को मिलता है, G85 वाला प्रोसेसर है, और उसके अलावा 678 Redmi Note 10 भी आ चुका है।
तो मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस और काफी वीक पॉइंट है। फोन का वेट आपको नॉर्मल मिल जाता है 188 ग्राम का एंड थिकनेस आपको 8.4 mm की मिलती है, नॉर्मल थिकनेस दी गई है। यहाँ पर डायरेक्टली हम कैमरा की तरफ आते हैं। कैमरा में फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, 48 मेगापिक्सल एनेबल करके फोटोज ले सकते हैं। स्लो मोशन का ऑप्शन भी दिया गया है। वीडियो हम 1080p क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिजल्ट देखते हैं लाइव फोटो, तो लाइव फोटो के मामले में दोस्तों रिजल्ट जो है वो नॉर्मल है। इस फोन के फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने काफ़ी सैंपल्स लिए हैं दोस्तों, रूम लाइट्स में सैंपल्स लिए हैं। तो यहाँ पर डे लाइट वाला टाइम नहीं था क्योंकि हमें अभी रात को ही फोन मिला, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो रिजल्ट मैंने देखा दोस्तों फ्रंट एंड बैक कैमरा से, फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी मुझे अच्छा लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। और बैक कैमरा का रिजल्ट भी इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला नहीं, लेकिन नॉर्मल रिजल्ट है अब तक तो अच्छा ही लग रहा है। क्योंकि इस प्राइस में तो ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला रिजल्ट होना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिशन है। तो खैर अब तक नॉर्मल फोटोज लग रही हैं, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी जरूर हो जानी चाहिए थी, लेकिन फ्रंट कैमरा इतना पावरफुल नहीं लग रहा दोस्तों। हम रिव्यू में या कंपैरिजंस में मजीद क्लियर कर देंगे, अब तक नॉर्मल है। आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा कैसा लग रहा है इस फोन का, आप भी कमेंट्स में बताइएगा। दोस्तों फाइनल रिकमेंडेशन इस फोन के बारे में बिल्कुल सीधी है, कोई घुमा फिरा अगर हम बात नहीं करेंगे। 35,000 की प्राइस में इससे बेहतर आप वीवो Y51 ले लें, अगर वीवो ही लेना चाहते हैं बात खत्म है दोस्तों, तो Redmi Note 10 ले लें और ज्यादा बेहतर है। हम कंपैरिजन भी करके दिखाएंगे काफी फोन से, तो कौन से फोन से कंपैरिजन इस फोन के देखना चाहते हैं ये भी बताइएगा। तो यहाँ पर टोटली ओवर प्राइस है दोस्तों, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग और डिजाइन काफी अच्छा है, कैमराज के हिसाब से नॉर्मल है, बाकी प्राइस काफी हाई है और प्रोसेसर काफी वीक दिया गया है इस प्राइस में, बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। तो इस फोन के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या ये फोन वाकई ओवर प्राइस है या बिल्कुल ठीक है, कौन सा फीचर इस फोन का सबसे ज्यादा पसंद आया आपको कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।